गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल व्लॉग होगा बिकॉज टुडे इज़ ए स्पेशल डे। कल रात हम इन लोग का घर में स्टे किया है, लहसुन का घर में बेटा है, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू कहाँ जाएगा हम लोग? टुडे वी आर गोइंग टू मोनेस्ट्री गोनपा, क्योंकि टुडे इज द बर्थडे ऑफ आवर 14 दलाई लामा। नहीं जाना है? तो आज जो है हम लोग का बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है उनके लिए काफ़ी स्पेशल डे है, बिकॉज आज जो है द 14 दलाई लामा दे हिज होलीनेस का बर्थडे है। सो हर जगह में गोनपा में प्रोग्राम होता है, तो बोमडिला में भी प्रोग्राम है और हम लोग वही जाएगा और आज का पूरा व्लॉग कवर करेगा कि किस तरह से सेलिब्रेशन करता है गोनपा में। नहीं जाना है। चलो हम दोनों हैप्पी बर्थडे कर देगा। चलो विश करो, तो हाथ ऐसे करो, नमो 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 को हैप्पी बर्थडे बोलो। नमो हैप्पी बर्थडे। जोर से बोलो, नमो नमो हैप्पी बर्थडे बोलो। नमो नमो हैप्पी बर्थडे। सो वी विश आवर हिज होलीनेस हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 88th बर्थडे एंड वी विश यू ए लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ। बोलो। इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग, तो प्रोग्राम एग्जैक्टली पता नहीं है। रुको रुको रुको, प्रोग्राम पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितने बजे से स्टार्ट होगा, बट अराउंड 8:39 ऐसे से हो जाएगा होगा। सो विल गो तुम इंग्लिश बोल रहे हैं। सो या विल सी यू, बाय 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 बाय। अच्छे से बाय बाय करो, चलो अच्छे से बाय बाय करो, बाय बाय उम्मा कर दो। So now we are getting ready and listen, क्या पहना और he is wearing chupa जो कि traditional dress है, देखो तो अन्यू इतना प्यारा। सो वी आर गेटिंग लेट, तो अभी हम भी रेडी करेगा एंड विल शो यू। बाय बाय। सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस वन आवर दिस ट्रेडिशनल ड्रेस, दिस इज कॉल्ड शिंका। तो आज मैं शिंका पहनने वाली हूँ और इसमें काफ़ी मोटी लगता है, वैसे तो हम बहुत पतला है, तो दिखते हैं। अभी हम शिंका पहन रहे हैं और इसमें इसका एक साड़ी जैसे एक डिज़ाइन आना पड़ता है ना, जो कि हमको नहीं आता है, तो माथंग हेल्प कर दे रहे हैं हमको। सैंडल इसको मैंने कल परसों ही बोमडिला से ही लिया था। अच्छा हुआ ना मतलब हम इसको लिया, ठीक काम आया ना, नहीं तो हम एक भी सैंडल बुक के लिए आया था। थैंक यू। मेरे पास तो वो भी नहीं है ना, इसको थोड़ा ऐसा रखो। अभी आप जूस लिया था ना, मेरे साथ बैग दो और जोर से तो मेरे सामने खा लगा लिया। सो नाउ आई एम रेडी। हम लोग लोकेशन में पहुंच गया है एंड दिस इज द मोनेस्ट्री जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। बोमडिला में जो है बड़ा बड़ा दो ऐसा मोनेस्ट्री है, तो दिस इज द लोअर वन, इसको यूजुअली लोअर गोनपा का नाम से जाना जाता है। ये जो है मार्केट एरिया में पड़ता है। Thank you.
नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनसाइड द मोनेस्ट्री जहाँ पे फंक्शन होगा. और जो हमारे नांगचो में फिलोसफी है, बुद्धिस्ट का फिलोसफी है, बुद्धिस्ट का साइंस है, उसके साथ साइंस का जो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस है, उसके विज्ञानों के साथ डिबेट करके, डायलॉग करके और साथ में माइंड एंड लाइफ करके एक कॉन्फ्रेंस हर साल होता है. तो सभी को आज परम पावन चौथावे दलाई लामा जी के बर्थ एनिवर्सरी का दिन में सभी को बहुत बहुत तशी दे एंड खुशी शबे कह करते हैं कि सबसे कसे तो दुखी तिम्रो माया मन आफ्नो थाले म
कल्चरल सेक्रेटरी आप रख लेंगे। उर्जेंट इंजन इधर आ गया। तेंजिंग लाचेल अभी बाहर निकल गया है। हम प्रोग्राम तो खत्म हो गया है तो अभी लंच होगा बोला है, लेकिन लंच के लिए शायद नहीं रुकेगा। आई विल लीव दिस इज द ओल्ड गोनपा। प्रोग्राम जो है ओवर हो गया है और अभी सब लोग लंच के लिए रुक रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि हम लंच के लिए रुकेगा। सो आई एम गोइंग बैक टू होम। और माथंग और लासेन तो चला गया क्योंकि लासेन बहुत ज़्यादा जिद कर लिया है। सो दिस इज़ द मोनेस्ट्री। ये जो है मोंगक्लुब पिटने वाला जगह है एंड ये जो है पुराना मोनेस्ट्री है। बाहर में दुकान लगा है। बाय बाय। दिस इज़ द मेन बोमदिला मार्केट और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। मोस्टली आज शॉप बंद है, ये कम्प्लेक्स पूरा बंद है। और ये आना लोग जो है पड़ोसी हैं माथंग का, तो माथंग तो चला गया है लेकिन पड़ोसी लोग का साथ में हम जा रहे हैं अभी। सो आई एम बैक गाइस। अभी घर पहुंचा है, फ्रेश अप कर लिया है और आज का जो प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा था और हम पूरा कोशिश किया कि आप लोग को दिखा सके कि आज का प्रोग्राम किस तरह से था। लेकिन एक ऐसा हमको फील हुआ है कि मेरा जो भी दोस्त लोग है, मतलब जितना भी दोस्त था, वो सब लोग अभी फैमिली वाला हो गया है तो टाइम नहीं है और कोई यहाँ पर नहीं है, तो उसका वजह से हम जो बहुत अकेला सा फील हो रहा था। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम माथंग का पड़ोसी दीदी लोग का साथ गया था, तो उन लोग के साथ फिर इतना दीदी लोग के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, तो अपना दोस्त होने से अलग ही बात होना था। तो वो मतलब दुखी भी एक लग रहा था। और जो वहाँ पे जितना भी डांस पार्टिसिपेंट था, जो यंग लोग था, मतलब लड़की लोग, तो वो लड़की लोग को देख के, बच्चा लोग को देख के ऐसे मतलब खुद का समय का याद आ रहा था कि हम लोग भी ऐसे करता, मतलब डांस करता था प्रोग्राम में। और मतलब ऐसा फील हो रहा था कि हम, क्योंकि हम एक तो ऐसा था कि हम बहुत समय का बाद हम बोमदिला में ऐसे प्रोग्राम में अटेंड किया है, क्योंकि बहुत समय हो गया स्कूल डेज का बाद, शायद हमने ऐसे याद ही नहीं है कि हम गोनपा में ऐसे कुछ प्रोग्राम होने में गया वाला। तो ओवरऑल इट वाज गुड, नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स था बहुत सारा और अच्छा लगा। और बहुत डांस लोग बहुत अच्छा अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा से किया है सब लोग, सभी लोगों ने बहुत अच्छा से डांस किया है। जो औरत पार्टी लोग था, मतलब जो आंटी लोग था, वो लोग पिन्ने भी अच्छे से किए हैं, छोटा छोटा बच्चा लोग ने भी अच्छे से किया है। तो यस, उतना ही था। और लंच तो खा कर नहीं आया है तो अभी कुछ खा लेगा और थोड़ा रेस्ट कर लेगा। सो आज का ब्लॉग में पसंद आया हो तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग। एंड एज यूजुअल आई लव यू। Bye-bye.